और आज हम जा रहे हैं ठात्री जो कि है धर्मशाला है हिमाचल प्रदेश में। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि अब हम जाएंगे ठात्री, उसके बाद हम जाएंगे उसके ऊपर पैदल ट्रैक है, तो चले साथ में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहुँच गए हैं जहाँ तक गाड़ी पहुँच सकती थी डैम तक, और डैम का व्यू कुछ ऐसा है। सभी देखिए आज हम चल रहे हैं ठात्री, और यहाँ पे हमारे साथ हैं विकास भाई से है। हेलो। ये गोरे हैं ऊपर को, और साथ में अभिषेक कटोच जी, ये साथ में गोरे हैं हमारे ऊपर ठात्री। आगे बहुत सी बकरियां हैं जो कि अब धूप का इंतजार कर रही हैं, पर धूप आ नहीं रही है। वहाँ पे काम लगा हुआ है, रास्ता कुछ ऐसा है, और एक शॉट विकास भाई का लेंगे। विकास भाई एक शॉट भैया का लेंगे, मेरा कौन लेगा एक शॉट अब भाई हमारे लेंगे। हेलो, हम जा रहे हैं ऊपर, यहाँ से पाइप से चढ़ेंगे ऊपर। ये हमारे कैमरामैन थक गए हैं अब। ये है खड, और खड हमें पार करनी पड़ेगी। आजकल कम पानी है, बरसातों में ज़्यादा पानी आता है यहाँ पे। बरसात में यहाँ तक ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पानी भरा होता है, तो बरसात में यूज़ करते हैं ये वाला रास्ता ऊपर पाइप से। ये देखिए बरसात में ये पिलर भी गिर गया, वहाँ पे पिलर लगा हुआ था, ये पिलर यहाँ पे गिर गया है। अब ये पार करना है हमें, देखिए पार कर लिया हमने, और अब हम भागेंगे क्योंकि पीछे रह गए हैं हम। ये हैं स्लेट, पत्थर को काट काट के बनाया गया है। ये यहाँ से पत्थर को तोड़ते हैं, और एक सांचा जैसा होता है उससे काट कर बनाते हैं, घरों में यूज़ होता है ये। वहाँ पे ऊपर चढ़ेंगे, ये रास्ता है, और ये सारा मलबा है जो स्लेट निकालने के बाद यूज़ नहीं होता है तो वो यहीं पर छोड़ देते हैं। ये देखिए पुल, नीचे का व्यू कुछ ऐसा। अभी हमें ये पहाड़ पूरा चढ़ना है ऊपर तक, वहाँ तक सीधा पहाड़ है।
बस होने वाली है अपनी तो। हाँ, ये लोकल आदमियों ने दुकानें खोल के रखी हैं, जब टूरिस्ट आता है तो यहाँ पे सामान वगैरह मैगी वगैरह मिलती है। एक यहाँ पे भी है, यहाँ पे कैंपिंग भी होती है। कैंपिंग साइट है ये पूरी। पेंटिंग करके रखी हुई है इन्होंने। मैं तो पानी आ रहा है पहाड़ों से, बर्फ वाला पानी होगा वो सती रहते हैं। हाँ, अब चढ़ाई करते हैं, अब बस होने वाली है। हाँ विकास भाई, हेलो, बाय। आ गया मंदिर छोटा सा। ये मंदिर जो काम करते हैं यहाँ पे उन्होंने बनवाया होता है, क्योंकि पहाड़ों में आके काम करना, पत्थर पुत्थर गिरते हैं तो सुबह जब आते हैं तो यहाँ पे पूजा पाठ करने के बाद काम करते हैं सब। ऊपर से घास लेके आते हैं और नीचे पैदल पहुंच जाएंगे जहाँ से अभी हमारे वॉक करना पड़ता है इनको। फाइनली पहुंच गए उस जगह में।